हाय, मैं हूँ अमृता। दोस्तों, आज मैं एक मिस्ट्री एडवेंचर मूवी नेशनल ट्रेजर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये वीडियो कोलैबोरेशन में है मूवी बकेट लिस्ट एक्सप्लेन इस चैनल के साथ, और मूवी का दूसरा पार्ट आपको उनके चैनल पर देखने मिलेगा, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। कहानी की शुरुआत बेन नाम के लड़के से होती है, जो कि अपने एटिक में कुछ ढूंढ रहा होता है। जब वो एक किताब उसके हाथ लगती है, उसी वक्त उसके दादाजी बेन को वहां देखकर उसे डांट देते हैं। दादाजी के पूछने पर बेन दादाजी को कुछ नहीं बताता, पर दादाजी बेन को फैमिली का एक सीक्रेट बताते हैं। चार्ल्स कैरल थ्री ने बेन के फैमिली के पूर्वजों को एक सीक्रेट नेशनल ट्रेजर के बारे में बताया था, जो कि अमेरिका में छुपा हुआ है। ये खजाना हजारों साल पुराना था और टेंपल ऑफ सोलोमन में पाया गया था। खजाना इतना ज्यादा था कि कुछ लोगों ने इस खजाने को बचाने के बारे में सोचा, जो कि समांत कहलाने लगे। लोगों ने इसको 100 सालों के बाद यूरोप में लाया, और यूरोप में ये खजाना 2000 सालों तक वहीं पर रखा गया। पर जब यूरोप और अमेरिका पर इंग्लैंड ने हमला किया, तो उसी दौरान इस खजाने को क्लूज के जरिए छुपाया गया, ताकि किसी को भी ये खजाना ना मिले। जब चार्ल्स कैरल थ्री ये बात अमेरिकन प्रेसिडेंट को बताने के लिए आए थे और वो उनको बता नहीं पाए, तब उन्होंने थॉमस गेट्स, जो कि बेन के 6th great-great-grandfather थे, उनको इस सीक्रेट के बारे में बताया। अब यहाँ बेन को उसके दादाजी ने एक कागज भी दिया, जिस पर लिखा था द सीक्रेट लाइज विद शेरलेट, पर उनको ये पता नहीं था कि शेरलेट क्या है। अब बेन के फादर उसको आके डांटते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ट्रेजर असल में है ही नहीं, और उनके पूर्वजों ने बस इस पे अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। पर बेन को इस बात पे विश्वास हो गया था कि ट्रेजर असली में है, और वो अपने दादाजी को कहता है कि वो बड़ा होके इस खजाने को ढूंढेगा। अब 30 साल के बाद बेन उसके दोस्त इयान और राइली के साथ आर्टिक सर्कल में जाता है, जहाँ पे मेटल डिटेक्टर की मदद से वे लोग शेरलेट, जो कि एक शिप रहता है, उसे ढूंढ निकालते हैं। शेरलेट के अंदर जाने के बाद उनको बारूद से भरे कुछ बॉक्सेस मिलते हैं। बस वो लोग आगे बढ़ते हैं, और उनको फिर वहाँ पे एक सोल्जर की लाश दिखाई देती है, जो कि एक डिब्बे को पकड़े हुए था। डिब्बे को खोलने पर उन्हें एक स्मोकिंग पाइप मिलता है। तीनों भी ध्यान से उस पाइप को देखते हैं, और उनको उस पाइप में कुछ लिखा हुआ मिलता है, पर क्योंकि पाइप व्हाइट कलर का था, पढ़ने में मुश्किल हो रही थी, जिस वजह से बेन ने अपने हाथ से खून निकाल के उस पाइप में लगा दिया। उसके बाद उस पाइप को एक पेपर में स्टैम्प की तरह दबा दिया, जिससे उन्हें आगे की पहेली मिलती है, जिसको समझने के बाद ये पता चलता है कि आगे का रास्ता उन्हें डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में मिलेगा, जो कि म्यूजियम में रखा हुआ एक फॉर्म था। इयान को जब इसके बारे में पता चलता है, तब वो कहता है कि उनको डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुरा कर उनपे कुछ केमिकल टेस्ट करने चाहिए, पर बेन इस बात से राजी नहीं होता। पर इयान को किसी भी हालत में खजाना चाहिए था, जिसके वजह से वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराने की बात फिर से करता है, जिसको सुन के बेन इयान को समझाने के लिए जाता है, लेकिन इयान उसके ऊपर बंदूक तान देता है और बेन को उसके साथ शामिल होने की धमकी देता है। पर बदले में बेन फ्लेयर जला देता है और बोलता है कि अगर इयान ने उसको गोली मारी तो वो फ्लेयर फेंक देगा, क्योंकि आसपास बहुत ज्यादा बारूद थे। पर इयान राइली को पकड़ लेता है और बेन फ्लेयर इयान की तरफ फेंक देता है, जिसको बेन पकड़ तो लेता है, पर फ्लेयर उसके हाथ से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से सब लोग वहां से भाग निकलते हैं। इयान और उसके साथ ही बाहर आ जाते हैं, जबकि राइली और बेन शिप के ही एक पार्ट में छुप जाते हैं, और फिर शिप का ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट इतने जोरों से होता है कि इयान को यही लगता है कि बेन और रैली दोनों की ब्लास्ट में मौत हो गई है, लेकिन वो दोनों भी बच जाते हैं और जाकर एफबीआई को इस चोरी के बारे में वार्न करते हैं, पर एफबीआई उनको सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि अब एफबीआई बेन पे विश्वास नहीं करती थी। बेन म्यूजियम में जाता है, जहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस रखा हुआ था, और वहाँ के मैनेजर डॉक्टर एबिगेल चेस से मिलता है, और वहाँ पे उसकी नजर डॉक्टर चेस के पुराने कॉइन कलेक्शन पे पड़ती है, जहाँ से एक सिक्का गायब था, और वो डॉक्टर चेस को बताने लगता है कि कैसे उनको शेरलेट शिप से पता चला कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे उनको खजाने का नक्शा मिल जाएगा। पर जब डॉक्टर चेस उनको शेरलेट की पाइप मांगते हैं, तो बेन उनको बताता है कि उसके पास वो पाइप नहीं है, जिस वजह से डॉक्टर चेस बेन पर विश्वास नहीं करती। अब कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए बेन राइली को कहता है कि अगर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यान से बचाना है, तो उन्हें उसे चुराना ही होगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ये बहुत ही पुराना डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट था जिसके प्रिजर्वेशन के लिए उसको केमिकल टेस्ट के लिए बेसमेंट में भेजा जाता है। रायली और बेन उसी दौरान उसको चुराने का प्लान बनाते हैं। इसी के चलते रायली सबवे के पास जाकर सिस्टम हैक करने की कोशिश करता है, तो वही दूसरी तरफ बेन खुद के लिए गार्ड का आई कार्ड बनवाता है। बेन के पास जो विंटेज कॉइन था उसमें एक केमिकल लगा के वो डॉक्टर चेस के पास भेज देता है। अब रायली गाला नाइट के दिन लेटर का टेम्परेचर बढ़ा देता है जिस वजह से उसको बेसमेंट में ले जाया जाता है और बेन पार्टी में एक वर्कर का यूनिफॉर्म पहन के घुस जाता है। इयान का भी प्लान था कि वो और उसकी टीम गाला नाइट को ही डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस चुराएंगे, पर बेसमेंट तक पहुंचने के लिए उन लोगों ने सुएज का इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे बेन पार्टी में चला जाता है और डॉक्टर चेस से मिलता है। वहाँ पे वो डॉक्टर चेस को एक ड्रिंक ऑफर करता है और डॉक्टर उसे एक्सेप्ट करती है, पर उस ग्लास को वो एक प्लास्टिक बैग में कलेक्ट कर लेता है और बहुत संभाल के डॉक्टर चेस का फिंगरप्रिंट अपने हाथों में पहने हुए ग्लव्स को ट्रांसफर करता है, जिसके बाद वो उसी के फिंगरप्रिंट के मदद से एलिवेटर यूज करके बेसमेंट में जाता है और बेसमेंट का लॉक एक पैटर्न से खुलता है। वो लाइट के मदद से डॉक्टर चेस के फिंगरप्रिंट देख पाता है और रायली की मदद से बेसमेंट में चला जाता है। वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को खोलने की कोशिश करता है पर कामयाब नहीं होता, जिसकी वजह से वो पूरा उसको खोल के लेके जाने लगता है। पर उसी दौरान वहाँ पर इयान भी आ जाता है और रायली का भी कैमरा से एक्सेस हट जाता है। अब यहाँ इयान बेन को शूट करने की कोशिश करता है और डिक्लेरेशन जिस फ्रेम में रखी हुई थी वो फ्रेम बुलेट प्रूफ थी, जिसके मदद से बेन बेसमेंट से निकल कर एलिवेटर में घुस जाता है और उस डिक्लेरेशन फॉर्म को रोल करके अपने पास रख देता है। पर पार्टी से बाहर जाते वक्त डॉक्टर चेस उसे देख लेती है। बेन बाहर रिसेप्शन पे डिक्लेरेशन का एक कॉपी खरीद लेता है। फिर म्यूजियम से बाहर आते समय पार्टी में एक बात फैल जाती है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस चोरी हो गया है, जिसके बाद डॉक्टर चेस बेन को ढूंढते हुए बाहर आ जाती है। अब डॉक्टर चेस बेन को समझाने लगती है और बताती है कि वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ना चुराए और इसीलिए बेन उन्हें डिक्लेरेशन फॉर्म वापस दे देता है, जिसके बाद अचानक से इयान वहाँ पे आ जाता है और डॉक्टर चेस और डिक्लेरेशन फॉर्म को लेके भाग जाता है। बहुत ही कोशिशों के बाद बेन डॉक्टर चेस को इयान से बचा लेता है, पर वो डिक्लेरेशन उसके पास ही रह जाता है। फिर बेन डॉक्टर चेस को याद दिलाता है कि कैसे उसने चोरी के बारे में पहले से ही उन्हें आगाह किया था और बेन उनको ये भी बताता है कि असली डिक्लेरेशन फॉर्म अभी भी उसी के पास है। और रायली उनको बोलता है कि केमिकल टेस्ट के लिए वो लोग बेन के घर जा सकते हैं, जहाँ पे बेन मना कर देता है क्योंकि उसने पेमेंट क्रेडिट कार्ड से की थी, इसीलिए FBI उसको वहाँ पर ट्रैक कर सकती है। FBI ये पता करने की कोशिश करती है कि रिसेंटली डिक्लेरेशन की चोरी करने के वार्निंग किस किस ने दी थी। तब यहाँ पे FBI को बेन की याद आती है कि बेन 7 दिन पहले ही चोरी के बारे में बताने आया था, पर उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। FBI के केस लिस्ट को चेक करने के बाद बेन ही एक अकेला अनइनवाइटेड गेस्ट था। वही अब बेन रायली और डॉक्टर चेस को अपने पिता पैट्रिक के घर लेके जाता है। वही डिक्लेरेशन चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पीछे इनविजिबल इंक से एक साइफर लिखा हुआ है, यानी एक तरह का मैसेज। अब बेन खुद एक क्रिप्टोलॉजिस्ट था जो सीक्रेट मैसेज डिकोड करने में माहिर था। वो अपने टूल के मदद से उस इनविजिबल मैसेज को पढ़ लेता है। उसमें साइलेंस डू गुड इन लेटर्स का रेफरेंस दिया गया था, जो कि महान इन्वेंटर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखे हुए थे। बेन को याद आता है इन लेटर्स का पोजीशन दरअसल उसके पिता पैट्रिक के पास ही था, इसीलिए वो अपने पिता से इन लेटर्स के बारे में पूछने लगता है। तो पैट्रिक उसे बताता है कि काफी सालों पहले उसने ये लेटर्स फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट को डोनेट कर दिए थे। अब बेन रायली और डॉक्टर चेस किट की मदद से डिक्लेरेशन के पीछे के नंबर्स नोट करते हैं, जो कि और कुछ नहीं बल्कि साइलेंस डू गुड्स इन लेटर्स के वर्ड लेटर और पैरा नंबर्स थे, जिसके बाद वो लोग फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट फिलाडेल्फिया निकल जाते हैं। वहाँ पे एक बच्चे के मदद से वो लेटर्स से सारे वर्ड्स ले आता है, लेकिन इयान भी वहाँ पे आ गया था और उसे उस बच्चे पर शक हो जाता है। बेन रायली और डॉक्टर चेस फिर से एक जगह पे मिलते हैं और रायली उनको लिबर्टी बेल के बारे में बताता है। फिर उन्हें समझ में आता है कि लिबर्टी बेल के परछाई जहाँ पड़ती है उनको वहाँ पे उनका अगला क्लू मिलेगा, पर परछाई किस समय दिखाई देती है ये उनको पता नहीं था। फिर उनको डॉलर नोट से समझ आता है कि 2:22 में वो परछाई उन्हें देखनी है, लेकिन अभी 3 बज चुके थे। तो रायली उनको बताता है कि World War II के दौरान बेल का टाइम रीसेट किया गया था, यानी कि अभी एक्चुअल में 3 नहीं बल्कि 2 बज रहे हैं। अब वो लोग भागते हुए लिबर्टी बेल के शैडो जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे जाते हैं, जो कि एक ब्रिक थी जहाँ पे एक छोटा सा निशान भी था। ब्रिक के अंदर से बेन को एक चश्मा मिलता है
जिसके मदद से वो डिक्लेरेशन के पीछे के मैप के वर्ड्स और पिक्चर को देख सकता था और चश्मा लेकर वहाँ से निकलने वाले थे उनको वहाँ पे यान के आदमी दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो तीनों अलग अलग रास्ते पर जाएंगे। पर ये प्लान उनको कुछ खास काम नहीं आता। यान डॉक्टर चेस और राइली का पीछा करने लगता है और डॉक्टर चेस के पास असली डिक्लेरेशन था जो कि वो यान के हवाले कर देती है। इसके पहले डॉक्टर चेस, राइली और बेन उसके कार के पास पहुंच पाते, एफबीआई वहां आके उन्हें अरेस्ट करती है। लेकिन एफबीआई के पूछे जाने पर बेन उनको याद करता है कि उसने ऑलरेडी उन्हें बताया था चोरी के बारे में, लेकिन उन्हें बेन के खजाने वाले बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पर तभी वहां पे अचानक से इयान का कॉल आता है और वो बेन को वही चश्मा लेकर मिलने बुलाता है। अब बेन इयान के बुलाने वाले जगह पर जाता है और वहां पे काफी एफबीआई के ऑफिसर्स थे और इयान के इंस्ट्रक्शन को मानते हुए बेन पानी में कूद जाता है और वहां पे एक डाइवर की मदद से वो इयान से मिलता है। इसी बीच डॉक्टर चेज और राइली उसको बताते हैं कि उन्होंने इयान को सब कुछ बता दिया था, नहीं तो इयान बेन को मार डालता। अब यहाँ पे इयान बेन को डिक्लेरेशन लौटा देता है क्योंकि पैट्रिक को इयान ने किडनैप किया हुआ था, इसीलिए वो मान जाता है इयान की मदद करने के लिए। मैप में उसको ईयर ऑफ द वॉल लिखा हुआ मिलता है। इयान को पता चल जाता है कि बेन उसे कुछ छुपा रहा है और बेन उसे बोलता है कि यहाँ पे कई साल पहले एक ट्रिनिटी चर्च हुआ करता था और ना चाहते हुए भी बेन को उसे चर्च के नीचे लेके जाना पड़ता है, जहाँ पे उनको पार्किंस्टन का हिंट मैप से मिलता है। फिर उसके बाद इयान, बेन, राइली, डॉक्टर चेस और पैट्रिक को पार्किंस्टन के कब्र के पास लेके जाते हैं, पर उस कब्र को निकालने के बाद उनको एक खुफिया रास्ता मिलता है जिसके अंदर जाने के बाद उन सबको एक वुडन स्टेयरकेस मिलता है। यहाँ पे इयान के एक आदमी का पैर स्टेयर पे फंस जाता है, इसके बाद सारे स्टेयर्स हवा में झूलने लगते हैं। ये लोग बड़ी मुश्किल से उस वुडन स्टेयर्स को निकालने के बाद बेन से जब इयान खजाने के बारे में पूछता है तब बेन उसे बताता है कि उसे इतना ही रास्ता पता है। उसी समय पैट्रिक बताता है कि आखिरी क्लू लालटेन है। जब अंग्रेज यहाँ पे आते थे तब वो लालटेन जलाया करते थे, जिसके बाद वो लोग कुछ लालटेन जलाते हैं। पर इसी बीच इयान को बेन पर विश्वास नहीं हो रहा था, वो बेन और बाकियों को यहाँ पे छोड़ के बोस्टन चर्च की तरफ निकल पड़ता है। ये देख राइली और डॉक्टर चेज बहुत ही परेशान होते हैं। बेन दूसरी तरफ एक दरवाजा या फिर हवा जाने का लेन ढूंढने लगता है ताकि वो लोग बाहर निकल सके, और तभी उसको एक दरवाजा मिलता है जहाँ का लॉक शेरलेट में मिले हुए पाइप के शेप से मैच कर रहा था, जिसको खोलने के बाद फाइनली उनको बहुत सारा सोना और कीमती जेवर और डॉक्यूमेंट सारे मिलते हैं। थोड़े आगे जाने के बाद उन्हें बारूद मिलती है, वो जलाने के बाद पूरी जगह जगमगा उठती है। थोड़े समय के बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ पर एफबीआई एजेंट ऑलरेडी बेन का इंतजार कर रहे थे। एफबीआई उसको बोलती है कि चोरी के वजह से उसे गिरफ्तार तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ट्रेजर के खोज के बदले में बेन एफबीआई से मांग करता है कि ट्रेजर के खोज के लिए क्रेडिट्स बेन और राइली के फैमिली को दी जाए और डॉक्टर चेस को इन सब से बाहर रखे ताकि उनकी जान को खतरा ना हो। और एफबीआई एजेंट कहता है क्योंकि चोरी हुई है किसी ना किसी को तो अरेस्ट होना होगा। तब बेन कहता है कि वो इयान जो कि बोस्टन चर्च में है उसे अरेस्ट करें क्योंकि अभी डिक्लेरेशन उसी के पास है। और इसी तरह ये मूवी यही खत्म होती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।